हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल की। हम जानेंगे कि कैपिटल क्या होता है और कैसे हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में कैपिटल हेल्प करता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कैपिटल राजधानी वाला कैपिटल नहीं है, ये है इकोनॉमिक्स वाला कैपिटल और इसकी रिक्वायरमेंट होती है हमें चीज़ों को प्रोड्यूस करने में। लेट्स से कि हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, हो सकता है वो एक प्लास्टिक बॉटल हो या फिर कोई फूड आइटम हो। दोनों ही केस में हमें कुछ ऐसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी जो कि इन चीज़ों को प्रोड्यूस करने में हेल्प करे। लेट्स से प्लास्टिक बॉटल के केस में हमें कुछ मशीन की रिक्वायरमेंट होगी, वेयर एज इन केस ऑफ फूड वी रिक्वायर लैंड एंड वाटर। सो ऐसी चीज़ें जो इनके प्रोडक्शन में हेल्प करे उन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, बट फॉर सेक ऑफ दिस वीडियो वी विल डिस्कस कैपिटल एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो व्हाट हेल इज कैपिटल, आखिर कैपिटल है क्या? इसको हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से वी हैव अ वेरी बिग फार्म और इस फार्म में काफ़ी सारे फूड आइटम्स प्रोड्यूस होते हैं और ये फूड आइटम्स कई तरह के हो सकते हैं। हो सकता है ये फूड आइटम हो मिल्क या फिर आपके फूड ग्रेन। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक फार्म प्रोड्यूस कर रहा है, बट इनको प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ इनपुट देना पड़ेगा या फिर कहें कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे कौन से इनपुट हैं या फिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इन फूड आइटम्स को प्रोड्यूस करेंगी? तो ऐसी चीज़ों को हम लिख लेते हैं। सबसे पहले एक फार्म में रिक्वायर्ड होता है लैंड की, उसके बाद कुछ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी ताकि हम इन फूड आइटम्स को प्रोड्यूस कर पाए। हमें कुछ इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि हो सकते हैं हमारे ट्रैक्टर हो या फिर अदर फार्मिंग इक्विपमेंट्स। इसी के साथ ही साथ हमें कुछ सप्लाइज़ की रिक्वायरमेंट होगी, ये सप्लाइज हो सकते हैं हमारे एनिमल्स हो या फिर अदर टूल्स एंड टेक्निक्स। और एट लास्ट वी शुड रिक्वायर अ लेबर और मैनी लेबर्स। सो ये लेबर एक ह्यूमन बीइंग होगा, ये लेबर कोई मशीन नहीं हो सकती, ये एक ह्यूमन बीइंग होगा। अगर लेबर एक मशीन है तो हम इसे लेबर नहीं कंसीडर करेंगे, हम इसे इक्विपमेंट कंसीडर करेंगे। सो इस तरह से हमारे पास हो गया है लैंड, वाटर, इक्विपमेंट्स, सप्लाइज एंड लेबर्स एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब इन सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम टू पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, हम इन्हें दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट नॉन लिविंग थिंग्स एंड सेकेंड अ लिविंग थिंग। सो इन नॉन लिविंग थिंग्स को हम कहेंगे कैपिटल। और क्योंकि एक लेबर एक ह्यूमन बीइंग है, इसलिए एक लिविंग बीइंग है, इसलिए हम इन्हें नॉन लिविंग बीइंग के साथ नहीं रखेंगे। यानी कि लेबर एक बहुत ही स्पेशल टाइप का कैपिटल है जिसको हम कैपिटल कंसिडर नहीं करते हैं। मेरी बातें काफ़ी विरोधाभासी हो रही हैं, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। सो अब इस क्लासिफिकेशन की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि कैपिटल आखिर होता क्या है। सो कैपिटल कैन बी कंसीडर्ड एज अ एसेट विच हैज़ अ स्पेसिफिक वैल्यू विच हेल्प इन प्रोडक्शन। यानी कि कैपिटल एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें प्रोडक्शन में हेल्प करे और इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू हो। लेट्स डिफाइन इट। अब हमने कैपिटल को डिफाइन किया एज अ एसेट विच हैज़ अ स्पेसिफिक वैल्यू एंड विच हेल्प इन प्रोडक्शन। क्योंकि हमने कैपिटल को एक असेट कह दिया तो हम इसको सेल भी कर सकते होंगे और परचेज भी कर सकते होंगे, जैसे कि बाकी असेट के साथ करते हैं। जी हाँ, इसे हम सेल कर सकते हैं या फिर हम परचेज कर सकते हैं। ये वो मेथड है जिसकी हेल्प से हम एक कैपिटल को एक्वायर करते हैं। अब ये कैपिटल हमने डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ अ फार्म। इसी चीज़ को हम बाकी चीज़ों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको हम एक फैक्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। फैक्ट्री में जो असेट जिसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी और जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए हेल्प करे उसे हम एक कैपिटल कहेंगे, जिसमें ह्यूमन बींग्स को नहीं कंसिडर किया जाएगा। ह्यूमन बींग्स को इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ थिंग है, एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है। ये कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं है, ये एक लिविंग थिंग है। अब ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर सप्लाइज को भी ऐसा कैपिटल कंसीडर किया है, बट इन मैनी प्लेसेस इट इज़ कंसीडर्ड एज अ डिफरेंट एंटिटी विच इज़ कॉल्ड रॉ मटेरियल। यानी कि
कुछ कोई ऐसा सामान जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को प्रोड्यूस करें, बट इट्स नॉट अ कैपिटल। सो ये हमारे कैपिटल की डेफिनेशन हुई। बाकी कई सारी बुकों में अलग अलग तरह की डेफिनेशन लिखी हुई होगी, लेकिन सबका मीन सेम है। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए दोस्तों, इसी कैपिटल के कॉन्सेप्ट को एक और एग्जांपल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से वी हैव अ गोल्ड माइन जिसमें कि गोल्ड का प्रोडक्शन होता है। गोल्ड जैसा कि हम जानते हैं कि काफ़ी प्रीशियस मेटल है, और इस माइन में इस गोल्ड का प्रोडक्शन होता है। तो इस गोल्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होने वाली है, जैसे कि हमें कुछ इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि हो सकता है ये आपकी मशीनें हो, या फिर क्रेन हो, या फिर आपके लेबर द्वारा यूज़ होने वाला बेलचा, हथौड़ी, एनीथिंग। अब इन इक्विपमेंट में से वो सारे इक्विपमेंट जैसे कि क्रेन, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इन सभी में पेट्रोल या फिर डीजल की रिक्वायरमेंट होने वाली है, जो कि हमारे एनर्जी रिसोर्स हैं। तो हमें रिक्वायर्ड होगा सम टाइप ऑफ एनर्जी विच कैन कम फ्रॉम पेट्रोल, डीजल, कोल, एनीथिंग। तो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, हमें इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है। इसी के साथ ही साथ हमें कुछ सप्लाइज़ की भी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि हमारे जो गाड़ियों के टायर हैं वो पुराने हो जाए, फिर फट जाए, तो हमें नए टायर की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर हमारे लेबर के द्वारा यूज़ किए जाने वाले इक्विपमेंट ख़राब हो गए तो उनकी सप्लाइज़ की रिक्वायरमेंट होगी हमको। तो वो सारी चीज़ें हमारी सप्लाइज़ में आएंगी, और एट लास्ट इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके जो गोल्ड प्रोड्यूस होगा उसको प्रोड्यूस करने वाला व्यक्ति एक लेबर होगा। अब ये लेबर एक ह्यूमन बीइंग होगा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया ही है, ये एक ह्यूमन बीइंग होगा। और अगर ये ह्यूमन बीइंग नहीं है और ये काम कोई मशीन कर रही है, तो हम उसे इक्विपमेंट या फिर सप्लाइज में से किसी एक में रखेंगे। सो मैं फिर से इन सभी चीज़ों को क्लासीफाई कर लेता हूँ इन टू पार्ट्स, लिविंग थिंग एंड अ नॉन लिविंग थिंग। सो लिविंग में एनर्जी, इक्विपमेंट, सप्लाइज आ रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे ऐसा कैपिटल, और इस लेबर को हम कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स, या फिर आप इसे अलग तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। सो अगेन ये सब इन सप्लाइज को हम ऐसा रॉ मटेरियल भी कई बार कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है जो कि काफ़ी रॉ फॉर्म में होती है और इसका इस्तेमाल हम प्रोडक्शन में करते हैं। देखिए, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ एक रफ आइडिया है, ये कोई पक्का पक्का नहीं है कि ऐसा ही होता है। मैंने एक रफ आइडिया दे दिया कि कैपिटल क्या हो सकता है और क्या कैपिटल नहीं हो सकता है। अब आप इस चीज़ में कन्फ्यूज़ ना होइएगा कि सर सप्लाइज और इक्विपमेंट तो एक ही चीज़ होती है, टायर भी तो एक इक्विपमेंट होगा या फिर अदर थिंग। दिस इज जस्ट एन रफ एग्जाम्पल। दोस्तों, जो भी मैंने एग्जाम्पल दिए वो एक काफ़ी रफ एस्टिमेट था एक कैपिटल और लेबर को डिफ्रेंशिएट करने का। हो सकता है कि इस एग्जाम्पल में कुछ और एंटिटीज हो सकता है एक एंटिटी और हो, एक और एंटिटी हो, या फिर हो सकता है कि ये जो दो एंटिटी मैंने बताई ये सेम एंटिटी हो। हो सकता है आप कहें कि सर सप्लाईज में जो टायर आते हैं या फिर दूसरे इक्विपमेंट की सप्लाई, वो भी तो एक इक्विपमेंट हुआ। देन आई विल से यस, यू आर राइट, यू कैन डिफाइन इट इन योर ओन वे, इट्स अ जस्ट अ रफ एस्टिमेट इंटेंडेड टू टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज कैपिटल एंड व्हाट इज लेबर। सो डोंट टेक दिस एग्जाम्पल वेरी सीरियसली कि सर इक्विपमेंट और सप्लाईज तो एक है, तो सर इसको आपने दो बार क्यों लिखा, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। दोस्तों, जब भी हम कोई कैपिटल एक्वायर करते हैं तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि इस कैपिटल को एक्वायर करना क्या मुनाफे का सौदा है, या फिर इन अदर वर्ड्स इज इट प्रॉफिटेबल टू एक्वायर दिस कैपिटल ऑन दिस कॉस्ट। सो अगर हम इसी बात को एक टेक्निकल टर्म दें तो हम कहेंगे कि व्हाट वुड बी द रिटर्न ऑन कैपिटल, यानी कि कैपिटल से हमें कितना रिटर्न मिलेगा। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल, जिसे मैंने शॉर्ट फॉर्म दिया है ROC, इसको डिफाइन करें, देन इट कैन यू डिफाइन एज अ मेजरमेंट ऑफ हाउ मच यू इन्वेस्टेड इन एंड हाउ मच यू गॉट इन रिटर्न, यानी कि आपने कितना पैसा डाला और आपको कितना फायदा हुआ। चलिए अब इस रिटर्न ऑन कैपिटल के कॉन्सेप्ट को पिछले वाले एग्जाम्पल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। सो द लास्ट एग्जाम्पल वॉज ऑफ अ फर्म वेयर वी हैव टू प्रोड्यूस फूड आइटम्स, और इन फूड आइटम्स को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कुछ इनपुट देने थे जो कि लैंड, इक्विपमेंट, वाटर और सप्लाईज थे।
और इसके अलावा कुछ लेबर्स की रिक्वायरमेंट थी। अब मान लिया कि इन सभी चीज़ों को एक्वायर करने में, या फिर मैं कहूँ कि कैपिटल को एक्वायर करने में मैंने 1 लाख रुपीज़ खर्च कर दिए, और बदले में जो फूड आइटम प्रोड्यूस हुआ उसको सेल करके मैंने 50,000 रुपये कमा लिए। सो रिटर्न ऑन कैपिटल कितना हुआ? देखिए, जो फूड आइटम्स 50,000 के क्रिएट हुए या फिर प्रोड्यूस हुए, उसमें से मैं कुछ पैसा इन लेबरों को दूंगा, तो मान लीजिए इनको 10,000 रुपीज़ दे दिए, तो हमारे पास कितना बचता है? तो हमारे पास बचता है 40,000। अब मैंने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए और मुझे मिला 40,000, तो रिटर्न ऑन कैपिटल कितना हुआ? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे पता करना पड़ेगा कितने परसेंट मुझे रिटर्न मिला। तो मैं 40,000 का 1 लाख से डिवाइड करूंगा और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। मैंने इसका 100 से मल्टीप्लाई किया आफ्टर डिवाइडिंग 40,000 टू 1 लाख, और जब मैंने कैलकुलेट किया तो ये 4 जीरो कैंसिल हो गए और ये 1 जीरो भी यहाँ से कैंसिल हो गया, एंड रेस्ट इज़ 4 × 10 विच इज़ 40। मुझे 40% मिला। अब 40% मिला कितने में से? मुझे 100% आउट इनपुट देना पड़ा, जिसके लिए मुझे 40% आउटपुट मिला, यानी मुझे टोटल इनपुट का 40% मिला। यानी कि अगर मैंने 1 लाख रुपीज़ लगाए तो मुझे 40,000 मिले। इट्स अ काइंड ऑफ लॉस। इस समय हम लॉस की सिचुएशन में हैं, हमने जितना लगाया उसका मैंने 60% लूज़ कर दिया। इसी तरह अगर मुझे 50,000 रुपीज़ यहाँ प्रॉफिट हो रहा होता तो रिटर्न ऑन कैपिटल 50% होता, और अगर मुझे 1 लाख रुपीज़ मिल रहे होते तो रिटर्न ऑन कैपिटल 1 लाख रुपीज़ के लिए 100% होता। दोस्तों, क्योंकि अभी तक मैं आपको रिटर्न ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ और साथ ही साथ ये भी बता चुका हूँ कि कैपिटल क्या होता है, तो अब मुझे लगता है कि अब आप इस डायग्राम को देख के अच्छे से समझ पाएंगे कि ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर अलग अलग तरह का डाटा दिया हुआ है, फॉर एग्रीकल्चरल लैंड, फॉर स्लेव्स, फॉर हाउसिंग एंड मैनी अदर थिंग्स। सो बेसिकली ये डायग्राम ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अलग अलग आइटम्स की अलग अलग टाइम पे जीडीपी रिस्पेक्ट में कितने परसेंट वैल्यू थी। अब लेट्स से कि ऑन 1770 जीडीपी वाज 300 करोड़, ओके, एंड आफ्टर मैनी ईयर्स ऑन 1880 जो जीडीपी की जो वैल्यू थी वो हो गई है 1,000 करोड़। अब मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा एग्रीकल्चरल लैंड की वर्थ ऑन दीज टू ओकेजन्स, ऑन 1770 और 1880। बेसिकली डायग्राम क्या कह रहा है कि ऑन 1770 जो एग्रीकल्चरल लैंड, जो कि इस ब्लैक एरिया से डिफाइंड है, उसकी जो वर्थ है वो 200 से थोड़ा सा कम है, यानी कि 180% है। अब 180% ऑफ वॉट? 180% ऑफ जीडीपी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है परसेंट ऑफ नेशनल इनकम। 180% ऑफ जीडीपी ऑफ 1770 यूएस इकॉनमी कितनी होती है? तो मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ। ऑन 1770 हमारी जो यूएस की इकॉनमी थी वो 100 करोड़ की थी, तो 180% ऑफ 100 करोड़ होता है 180 करोड़। अब मैंने 1770 के लिए कैलकुलेट कर लिया है, अब आपको कैलकुलेट करना है फॉर 1880। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और 1880 के लिए कैलकुलेट करके दिखाइए। आई होप कि आपने 1880 के लिए कैलकुलेट कर लिया होगा। सो ऑन 1880 द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड वॉज अप्रॉक्सीमेटली 100% ऑफ जीडीपी। 100% ऑफ जीडीपी ऑन 1880 कितना हुआ? 100% ऑफ, सॉरी, या 1,000 था, ऑफ 1,000 करोड़। तो इस समय इसकी जो वर्थ है वो कितनी हो गई है? वो हो गई है 100% ऑफ 1,000 करोड़। ये होता है 1,000 करोड़। इस टाइम पीरियड पे एग्रीकल्चरल लैंड की जो वर्थ है 1,000 करोड़ है, और जबकि इस टाइम पे जो वर्थ है वो है 180 करोड़। तो आप देख पा रहे होंगे कि भले ही परसेंटेज कम होता जा रहा है एग्रीकल्चरल लैंड का विथ रिस्पेक्ट टू जीडीपी ऑफ कंट्री, बट इसकी जो वैल्यू है इन न्यूमेरिकल टर्म्स ये बढ़ती जा रही है। तो बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि
हर साल जीडीपी का साइज बढ़ता जाता है और उसके रिस्पेक्ट में जो चीज़ों की वर्थ है वो इन परसेंटेज कम होती आती है, बट इन न्यूमेरिकल टर्म्स ये बढ़ती आती है। सो अगर मैं बात करूँ ऑन 1770 जो एग्रीकल्चरल लैंड की वर्थ थी वो 180 करोड़ थी, और सेम एग्रीकल्चरल लैंड की जो वर्थ है ऑन 2010 विल बी मच हाइयर, बट परसेंटेज वाइज इट विल बी फार लेस। यही हाल अलग अलग चीज़ों का है। तो कुछ जैसे कि स्लेवरी, जो ऐसा समय था जब स्लेव की भी कीमत हुआ करती थी, स्लेव को खरीदा और बेचा जाता था, तो ऑन 1770 इट वॉज 300% ऑफ GDP ऑफ अमेरिका। बट वेन द स्लेवरी वॉज एबॉलिस्ड, जब स्लेवरी की एंड हो गई ऑन 1880, इसकी जो वैल्यू थी वो जीरो हो गई। सॉरी, इसके बाद के टाइम पीरियड पे इसकी वैल्यू जीरो हो गई, और टिल 1880 इट वॉज अबाउट 100% ऑफ GDP ऑफ कंट्री। सो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनकी जो वैल्यू है वो ओवर द टाइम कम होती गई है, और साथ ही साथ कई सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिनकी जो वैल्यू है ओवर द टाइम विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम वो बढ़ती गई है। तो बेसिकली ये पूरा डायग्राम ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अलग अलग आइटम की GDP के रिस्पेक्ट में कितने परसेंट वैल्यू घटी या फिर बढ़ी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इन आर यूट्यूब चैनल।